गुजरात के जामनगर में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जामनगर के महाराजा दिग्विजय सिंह ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड के नागरिकों को शरण दी थी और आज भी पोलैंड में संसद सत्र महाराजा दिग्विजय सिंह को याद करने के साथ शुरू होता है। उनके द्वारा बोए गए बीजों ने हमें पोलैंड के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने में मदद की है। मैं उन शाही परिवारों को समर्पित एक संग्रहालय बना रहा हूँ जिन्होंने भारत की अखंडता के लिए बहुत योगदान दिया है। जो लोग इतिहास भूल जाते हैं वे कभी इतिहास नहीं बना सकते। जामनगर के महाराजा दिग्विजय सिंह जी ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय पोलैंड के नागरिकों को यहां जामनगर में शरण दी थी और आज भी पोलैंड की पार्लियामेंट का सत्र जब शुरू होता है तो सबसे पहले जामनगर का स्मरण होता है, दिग्विजय जी महाराज साहब का स्मरण होता है, बाद में पार्लियामेंट शुरू होती है और उन्होंने जो बीज बोए उसके कारण आज भी पोलैंड के साथ हमारा रिश्ता बहुत मजबूत हुआ है।